16 करोड़ 50 लाख रुपए हैं वो इधर से उधर किए गए। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की डिजिटल अटेंडेंस का मुद्दा लगातार चर्चाओं में है। शिक्षकों के लगातार विरोध के बाद सरकार अपने फैसले से पीछे हटने को तैयार नहीं। अब योगी सरकार की तरफ से आदेश जारी किया गया है कि अगले 3 दिन तक ऑनलाइन हाजिरी दर्ज ना कराने वालों का वेतन रोक दिया जाएगा। डिजिटल अटेंडेंस यानी कि डिजिटल हाजिरी ना कराना विभागीय आदेश की अवहेलना मानी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ पूरे प्रदेश में शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं। लखनऊ, बिजनौर, देवरिया, वाराणसी, बरेली, प्रतापगढ़ समेत कई जिलों में शिक्षक पुरजोर प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी हाजिरी को लेकर, डिजिटल हाजिरी को लेकर। क्योंकि देखने को मिला जब से ये फैसला आया सरकार का तब से शिक्षक कुछ खुश नहीं दिख रहे हैं। और देखिए जगह जगह इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में शिक्षक अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते नजर आए। वाराणसी, उन्नाव, बिजनौर में भी इसी तरह का प्रदर्शन हुआ। शिक्षक अपनी मांगों को लेकर लामबंद हैं और शिक्षक ऑनलाइन हाजिरी के बिल्कुल खिलाफ हैं। उनका कहना है कि वो इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं आपको बता दें कि अब सरकार का भी कहना है कि अगर 3 दिन तक ऑनलाइन हाजिरी दर्ज नहीं करवाई जाती है तो ऐसे शिक्षकों का वेतन रोक लिया जाएगा। बेसिक परिषद में जो हमारे विद्यालय हैं इनमें ऑनलाइन हाजिरी का जो महानिदेशक महोदय का आदेश है इसके खिलाफ प्रांत पर एक मोर्चा का गठन हुआ है। इसमें शिक्षक, शिक्षामित्र, निदेशक, कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के नाम से आज पूरे प्रदेश में इसके विरोध में जनपद मुख्यालयों पर जिलाधिकारी के माध्यम से हम लोग धरना प्रदर्शन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने का हमारा कार्यक्रम है। यदि उसके बावजूद भी सरकार हमारी बात नहीं मानती है, विभाग अगर ये आदेश वापस नहीं लेता है तो 29 तारीख को महानिदेशक महोदय के यहाँ प्रांत का आदेश है पूरे जनपद प्रदेश के लिए कि 29 तारीख को महानिदेशक कार्यालय का घेरा है। उनकी कई मांगे हैं और एक तरफ जिस तरीके से डिजिटल हाजिरी की बात सामने आई है उसको लेकर लामबंद हो चुके टीचर्स। और देखिए बड़ी संख्या में आज शिक्षक सड़कों पर उतरे, उन्होंने प्रदर्शन किया और सरकार से कहा कि वो जो डिजिटल हाजिरी वाला फैसला उसको वो वापस ले। हालांकि अभी शिक्षक अपने कदम से एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। फिलहाल आपके सामने कई जगहों की ये तस्वीरें आप देखिए, उन्नाव, वाराणसी, बिजनौर में भी शिक्षक आज पूरी तरह से लामबंद नजर आए। ऑनलाइन हाजिरी को लेकर शिक्षकों ने प्रदर्शन किया। अनूप इस खबर पर मेरे साथ मौजूद हैं, अनूप से बातचीत करते हैं। अनूप, सरकार ने तो अपना फैसला दे दिया लेकिन शिक्षक पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। आज भी बड़ी संख्या में शिक्षक उत्तर प्रदेश के कई जिलों में प्रदर्शन कर रहे हैं और ऑनलाइन हाजिरी का विरोध कर रहे हैं वो। देखिए बिल्कुल है, जो ऑनलाइन अटेंडेंस है उसका जो विरोध है वो लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश के जो शिक्षक हैं वो लामबंद हो गए हैं। आज राजधानी लखनऊ की बात करें क्योंकि 23 तारीख को बड़े आंदोलन का ऐलान किया गया है, लिहाजा उसी से संबंधित जो ज्ञापन है वो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के यहाँ सौंपने के लिए राजधानी लखनऊ में ही तकरीबन 500 से अधिक जो शिक्षक हैं वो पहुँचे थे। बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो भी इसमें शामिल रही और वहाँ पर बड़ी संख्या में जो है प्रोटेस्ट किया गया, प्रदर्शन किया गया और साफ तौर पे ये ऐलान किया गया कि जो ये व्यवस्था है, जो सरकार ने इसको लागू किया है, थोपने काम किया है, इसको कहीं से भी जो है शिक्षक मानने को तैयार नहीं होंगे। और जम के जो है विरोध प्रदर्शन, जो तस्वीरें हैं आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह से जो है शिक्षक इसको लेकर के उग्र दिखाई दे रहे हैं। आज आपको बता दूं कि 25 ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने त्याग पत्र भी दे दिया है इस ऑनलाइन अटेंडेंस की व्यवस्था को लेकर के। उनका साफ कहना है कि जब तक ये व्यवस्था खत्म नहीं होती है, ये आदेश सरकार और जो शासन है वो वापस नहीं लेता है, तब तक जो शिक्षक संघ है वो इसी तरह से अपना प्रदर्शन करेगा। कार्रवाई करने के लिए सरकार तो एक्शन मोड में नजर आ रही है। सरकार ने हवाला दे दिया 3 दिनों का, अगर 3 दिनों तक ये चीजें नहीं मानी जाती तो वेतन रोक लिया जाएगा। क्या ये खबर शिक्षकों तक पहुंची है, कुछ अमल हुआ है इसमें? देखिए बिल्कुल है, जो जब ज्ञापन दिया गया और प्रोटेस्ट किया गया तो जो शिक्षक संघ है उनसे जब बात की गई तो सभी शिक्षकों का यही कहना था कि सरकार और शासन भले ही जो है तमाम इस पर जो है कवायद करे, तमाम निर्णय ले ले, कड़े फैसले ले ले, लेकिन
यदि ये व्यवस्था ये आदेश वापस नहीं होता है तो वो इसके खिलाफ लगातार आंदोलन करेंगे। आपको बता दूं कि इस वक्त की बड़ी खबर है कि जिस तरह से कि जो शिक्षक है वो आंदोलन रद्द दिखाई दे रहे हैं, उनका प्रोटेस्ट जो है उनका प्रदर्शन दिखाई दिया है। उसके बाद जो विभाग की डीजी है उन्होंने जो संघ के अध्यक्ष हैं जो पदाधिकारी हैं उनको मिलने के लिए बुलाया है। इस वक्त जो वार्ता है वो बंद कमरे में लगातार चल रही है, कोशिश हो रही है कि इस आंदोलन को खत्म किया जाए, जो शिक्षकों का शिक्षक आर और पार के मोड में दिख रहे हैं। और अब देखने वाली बात है कि कब तक शिक्षकों का गुस्सा शांत होता है और क्या वाकई उनकी मांगे मानी जाती है या फिर नहीं, देखने वाली बात होगी। बहुत धन्यवाद आपका। फिलहाल उन्नाव से अगली बड़ी खबर है, उन्नाव में बाढ़।